तो गाइज वंस अगेन आप लोगों का मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैंने एक बहुत ही दिलचस्प कॉमेडी क्राइम मूवी देखी है जिसका नाम है कदर सिल्ला बिरयानी। यह फिल्म आई तो थी 2021 में, लेकिन मैंने अभी इसे कंप्लीट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात की जाए तो 7.4 की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म को विजय सेतुपति अपनी आवाज़ में वॉइस ओवर कर एक छोटे लड़की की कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन ये लड़का इतना भी छोटा नहीं होता है, 20 या 21 साल का जरूर होगा। इसका नाम होता है चीकू पांडे। इसके जो परिवार वाले होते हैं वो सभी झगड़ालू होते हैं, सिवाय इसके फादर को छोड़कर। तो इसलिए इसके फादर जो होते हैं वो अपने सबसे छोटे लड़के यानी कि चीकू पांडे के साथ इन सभी रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि उनका सबसे छोटा लड़का यानी कि चीकू पांडे बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी बनेगा। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये भी अपने भाइयों के जैसा ही गुंडा बनकर रह जाएगा और इसका लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद गाइज अचानक से इसका नेक्स्ट सीन चालू हो जाता है, जहां पर हम इन तीनों भाइयों को एक मर्डर प्लान करते हुए देखते हैं। ये जो प्लानिंग है वो इसलिए चल रही होती है क्योंकि इनके फादर को किसी ने मार दिया होता है। अब किसने मारा हुआ होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि रबर एस्टेट ओनर ने मारा हुआ होता है, जिसे कि प्ले किया है विशाल राम ने। अब इनकी माँ चाहती है कि ये तीनों बेटे अपने बाप के कातिलों का बदला ले। तो क्या गाइज ये तीनों भाई इस मर्डर रिवेंज में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। लेकिन मेरी तरफ से आपको एक वार्निंग है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है। इसका जो विलन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे लोग के साथ और फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, अकेले देखोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसका जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। मतलब कि जैसे जैसे कैमरा घूमता है आपको लगता है कि आप उस कैरेक्टर के साथ हो। ऊपर से इस फिल्म में जो डार्क कॉमेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ, एक सीन मैंने देखी थी जिसमें वो दादी क्या करती है, ओल्ड लेडी होती है, तो वो क्या करती है चीकू पांडे के लिए एक लेमन जूस बनाती है, लेकिन वो जूस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगा रही होती है। ऊपर से कुछ काम तो वो चीकू पांडे से ही करवा रही होती है, तो वो इस फिल्म का सबसे कॉमेडिक सीन लगा मुझे। फिल्म में सभी कास्ट ने जबरदस्त काम किया है, चीकू पांडे ने, उनके एल्डर्स ब्रदर्स ने, और विजय सेतुपति का भी हमें एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। और रही बात अपने विलन की, तो इनकी एक्टिंग देखने लायक है और ये लोगों को काफ़ी रफ तरीके से मारते हैं, जिसे देखकर आपको घिन बढ़ सकती है। इसलिए आपको बताया कि ये फिल्म आप अकेले ही देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो गाइज इसी के साथ वैसे मैं बता देता हूँ कि ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Hi. I am a lover.